हेलो चिल्ड्रन, होप ऑल आर वेल। आज मैं चली आ रही हूँ हिंदी व्यंजन वर्णमाला की। जो चौथा अक्षर है वो है घ। इस घ के साथ हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते हैं वही आज हम लोग देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। घ के साथ हम लोग क्या क्या शब्द बना सकते हैं। पहला जो शब्द आता है वो है घड़ी। पहला जो शब्द आता है वो है घड़ी। घड़ी यानी क्लॉक एंड वॉच। घड़ी यानी क्लॉक एंड वॉच। दूसरा जो शब्द आता है घी। दूसरा जो शब्द आता है घी। घी यानी क्लैरिफाइड बटर। घी यानी क्लैरिफाइड बटर। तीसरा जो शब्द होता है वो है घड़ियाल। घड़ियाल का मतलब एलिगेटर। घड़ियाल का मतलब एलिगेटर। चौथा शब्द है घर। घर यानी हाउस। घर यानी हाउस। पांचवा जो शब्द आता है वो है घंटा। घंटा यानी बेल। घंटा यानी बेल। दूसरा जो शब्द आता है वो है घंटा घर। घंटा घर यानी क्लॉक टावर। घंटा घर यानी क्लॉक टावर। तो पहला कलम में जो जो शब्द हम लोग पढ़े हैं फिर से पढ़ ले। पहला है घड़ी, दूसरा है घी, तीसरा है घड़ियाल, चौथा है घर, पांचवा है घंटा और छठा है घंटा घर। यानी क्लॉक एंड वॉच, घड़ी, क्लैरिफाइड बटर, घी, एलिगेटर, घड़ियाल, हाउस, घर, बेल, घंटा, क्लॉक टावर, घंटा घर। अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या शब्द हम लोग बना सकते हैं। घुंघराला। घुंघराला मतलब कार्ली। घुंघराला मतलब कार्ली। घोंसला। घोंसला मतलब नेस्ट। पंछी की घोंसला। घोंसला मतलब नेस्ट। घुड़सवारी। घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग। घुड़सवारी मतलब हॉर्स राइडिंग। घेरा। घेरा मतलब सर्कल। घेरा मतलब सर्कल। घोषणा। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट। घास। घास यानी ग्रास। घास यानी ग्रास। तो चलो ये सब फिर से थोड़ा रिपीट कर ले। पहला है घुंघराला यानी कार्ली, घोंसला यानी नेस्ट, घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, घेरा यानी सर्कल, घोषणा यानी अनाउंसमेंट, घास मतलब ग्रास। और जो जो शब्द हम लोग बना सकते हैं तब शुरू करते हैं। घासलेट। घासलेट यानी केरोसिन ऑयल। घासलेट। घासलेट यानी केरोसिन ऑयल। घड़ा। घड़ा यानी आर्दन पीचर। घड़ा। घड़ा यानी आर्दन पीचर। घाघरा। घाघरा यानी लेडीज आउटफिट। घाघरा यानी लेडीज आउटफिट। घुंघरू। घुंघरू मतलब एंकलेट बेल्स। घुंघरू मतलब एंकलेट बेल्स। घोड़ा। घोड़ा यानी हॉर्स। घोड़ा। घोड़ा यानी हॉर्स। घोड़ी। घोड़ी यानी मेयर। घोड़ी यानी मेयर। घाटा। घाटा मतलब पढ़ेंगे। पहला जो शब्द है वो है घुमाना। घुमाना मतलब रोटेट। घुमाना मतलब रोटेट। घटना। घटना यानी इंसिडेंट। घटना यानी इंसिडेंट। घबराहट। घबराहट मतलब नर्वसनेस। घबराहट मतलब नर्वसनेस। घसीटना। घसीटना मतलब ड्रैग। घसीटना मतलब ड्रैग। घिसना। घिसना मतलब राब। घिसना। घिसना मतलब राब। घूट। घूट यानी सिप। घूट। घूट यानी सिप। तो फिर से ये कलम थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लें। घुमाना, घटना, घबराहट, घसीटना, घिसना, घुट। और भी कुछ शब्द हम लोग पाते हैं घर से, वो है घृणा। घृणा यानी हेट। घृणा यानी हेट। घमंड। घमंड यानी प्राइड। घमंड यानी प्राइड। घुमावदार। घुमावदार मतलब स्पाइरल। घुमावदार मतलब स्पाइरल। घूर्णा। घूर्णा मतलब स्टेयर। घूर्णा। घूर्णा मतलब स्टेयर। घुलना। घुलना मतलब डिसॉल्व। घुलना मतलब डिसॉल्व। तो फिर से ये हम लोग रिपीट कर लेते हैं। घृणा,
घमन, घुमावदार, घूरना, घुलना। तो ये सारे शब्द हम लोग घ से पाते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हम लोग घर से बना सकते हैं। तो बच्चों तुम घर में ये सब पढ़ के घर से साथ और क्या क्या शब्द तुम लोग बना सकते हो वो बनाओ और ठीक रहो।